और भाई आज के ये वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले Vivo T3X के बारे में। सो अगर आप भी ये फ़ोन को परचेज करने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को ना पूरा एक बार जरूर देखना, क्योंकि ऊपर बहुत सारे वीडियो आपने देख लिया होगा फ़ोन के ऊपर, ये वाले फ़ोन के ऊपर। लेकिन ये वीडियो के अंदर जो मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ शायद ही भाई और कोई दे पाएगा, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर भाई आप लोगों को कुछ कमियाँ देखने को मिलेगा, जो कि परचेस करने के बाद आपको लग सकता है कि ये कमियाँ मेरे को इस फ़ोन के अंदर मिला था, मेरे को ये फ़ोन परचेस नहीं करना चाहिए था। तो वैसे रिग्रेट आप लोगों को ना करना पड़े, इसके लिए मैं इस वीडियो को बनाया। तो चलिए यार वीडियो में बात करने वाले सब कुछ, गेमिंग सेगमेंट को लेकर, कैमरा को लेकर, अदरवाइज लॉन्ग टाइम यूजेस को लेकर, बैटरी बैकअप को लेकर, क्योंकि आप लोग जानते हो कि 6000 mAh का बैटरी देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल बहुत सारे लोग फ़ोन को परचेस करने के लिए भाई एग्रेसिव हो चुके हैं कि मुझे लेना है इस फ़ोन को। रुको और पूरा जानकारी लेके जाओ, उसके बाद आप लोग डिसाइड करो, क्योंकि पर हेल्प करने वाला हूं इस वीडियो में किनको इस फोन को परचेस करना चाहिए और किनको परचेस नहीं करना चाहिए। तो चलो यार उसके बाद आप लोग डिसाइड करना, वीडियो में जो पॉइंट बताऊंगा उसके बाद आप लोग डिसाइड करना कि आपके हिसाब से ये फोन सही है या फिर नहीं है। तो चलो भाई इस फोन के अंदर सबसे पहले देख लेते हैं फोन के अंदर जो हम लोग को कैमरा देखने को मिलता है। सबसे पहला कमी जो है ना मेरे को कैमरा में लगा है, बैक कैमरा आप लोगों को 50 MP का देखने को मिलेगा, ये सही है। लेकिन दो जो और कैमरा देखने को मिलते हैं इसके साथ 2 MP का आप लोगों को मैक्रो कैमरा देखने को मिलेगा। और अदरवाइज अगर बात करें भाई फोन के अंदर हम लोग को अल्ट्रा वाइड वाला लेंस देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ये वाला जो कमी ना मेरे को लगता नहीं, मैंने अल्ट्रा वाइड वाला लेंस कभी यूज़ ही नहीं किया, बहुत ही कम किया एक दो बार, ठीक है। तो दूसरे कोई बंदा अगर बोले अल्ट्रा वाइड नहीं मिल रहा है तो भाई उसको लेकर टेंशन में मत पड़ो, नॉर्मल कैमरे लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, 50 MP का देखने को मिल रहा है, वीवो का कैमरा काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर 2 MP का जो मैक्रो देना का दे रहा है फ़ोन के अंदर, इसका कोई ज़रूरत नहीं था, दूसरा कोई अच्छा अल्ट्रा वाइड या फिर अदर कोई सेंसर दे सकते थे। तो सामने जो हम लोग को कैमरा देखने को मिलता है उसमें कई कमियाँ देखने को मिलता है, 8 MP का कैमरा बस देखने को मिलता है भाई, लगभग 12 या फिर 16 MP का कैमरा देना चाहिए था, क्योंकि अभी जो फ़ोन लॉन्च हो रहा है फिर निकल रहा है भाई फ़ोन का कैमरा 13-14 हज़ार के अंदर, काफ़ी अच्छा कैमरा वगैरह दे रहा है फ़ोन के अंदर, जिसके अंदर कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आप लोग 8 MP से फोटो वगैरह क्लिक कर दो तो आपका डिटेल्स वगैरह अच्छा नहीं आएगा उतना अच्छा, आपका जो फेस से थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्स वगैरह जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो जिन लोगों को कैमरा के लिए फ़ोन परचेस करना है ना भाई, जिन लोगों को गेमिंग के साथ कैमरा भी चाहिए, वो लोग भाई फ्रंट कैमरा से लोग ज़्यादा फोटो क्लिक करते हो तो सेल्फी लवर्स के लिए ये फ़ोन मैं सजेस्ट नहीं कर सकता। Vivo T3X के अंदर 13000 में भाई एक IPS LCD पैनल देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर 1000 Hz का आप लोगों को जो पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगा, 13000 नहीं शायद 13700 ऐसा कुछ प्राइस होगा, 14000 आप लोग सोच सकते हो, ठीक है 14000। तो इसके अंदर भाई आप लोग को डिस्प्ले LCD देखने को मिल रहा है, तो इसके अंदर हम लोग AMOLED प्रेफर नहीं भी कर सकते, ठीक है। तो एक्सपेक्ट हम लोग नहीं कर सकते AMOLED दे फोन के अंदर, लेकिन अदरवाइज डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है। कुछ लोग बोल रहे 1000 Hz का ब्राइटनेस दे रहे हैं, इससे ज़्यादा देना चाहिए था, तो भाई इस प्राइस के अंदर और क्या दे, 1000 Hz कम नहीं होता, कुछ फोन में 700 nits का भी देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ठीक है। आउटडोर पर भी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भाई IPS डिस्प्ले ना गेमिंग के लिए IPS डिस्प्ले काफ़ी अच्छा होता है, यहाँ पर टच जो प्रॉब्लम, डबल फिंगरिंग प्रॉब्लम वगैरह फोन के अंदर देखने को नहीं मिलता, ओके। तो यहाँ पर डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन अभी हम लोग बात करने वाले मेन पॉइंट के बारे में, जो कि है गाइस गेमिंग। तो यहाँ पर प्रोसेसर कौन सा देखने को मिलता है, कितना Antutu स्कोर है, वो गाइस सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो ये वाला फोन के अंदर मतलब Vivo T3X के अंदर स्नैपड्रैगन का 6 Gen 1 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। अगर बात करें Antutu स्कोर का, 5,60,000 जैसा Antutu स्कोर देखने को मिलता है, काफ़ी पावरफुल फ़ोन है। लेकिन ये प्रोसेसर और दूसरे जो फ़ोन के अंदर लगा है उसके अंदर Antutu स्कोर थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, 5,80,000-6,00,000 जैसा। लेकिन इस फ़ोन के अंदर ओवरक्लॉक है, फिर भी भाई पता नहीं क्यों प्रोसेसर में मतलब प्रॉब्लम वगैरह देखने को मिल रहा है, मतलब Antutu स्कोर इतना कम देखने को मिल रहा है, 20-40,000 Antutu स्कोर ज़्यादा है दूसरे फ़ोन में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लेकर दिक्कत उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 5,60,000 काफ़ी अच्छे होता है, पोको X3 प्रो जैसा परफॉर्मेंस आप लोगों को फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो दिक्कत मेरे को लगा है, फ़ोन के अंदर 40fps तक सपोर्ट करता है, बहुत सारे यूट्यूबर आप लोगों को बोलेगा फ़ोन के अंदर 40fps सपोर्ट करता है, बहुत स्मूथ चलता है, लेकिन जितना भी आप लोग बोल लो 40fps होता है इसके अंदर, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कोई बग्स नहीं है, कोई ग्लिच नहीं है, लैग वगैरह देखने को नहीं मिलता, रेंडरिंग वगैरह नहीं होता, लेकिन भाई फोन पे बंदे के सामने काफ़ी अच्छा रेंडरिंग फ़ोन कर लेता है, बहुत बार रुक रुक के मतलब रेंडरिंग जो देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर न्यू फ़ोन है कुछ दिन अच्छा चलेगा। लेकिन 40fps और 60fps कभी भी सेम नहीं हो सकता, 60fps पर खेलने का मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ पर अगर गेमिंग के लिए आप लोग फ़ोन को परचेस करने का सोच रहे हो तो 40fps शायद मेरे को लगता नहीं कि इतना खास होने वाला है। और एक चीज़ को सबसे ज्यादा बेकार लगा कि 4GB रैम का प्राइस 14,000, आप लोग सोच रहे हो भाई 4GB, तो तुम लोग बस ये पर प्रोसेसर का Antutu स्कोर देख रहे हो, ओवरऑल सब कुछ नहीं देख रहे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर Vivo का जो फोन होता है Vivo का, वो यहाँ पर कंप्लीटली फुल एंड फील फोन नहीं होता,
जितना कि आईक्यू होता है। वीवो का ही सब ब्रांड है तो उसके अंदर सब कुछ ही अच्छा देखने को मिलता है। तो इससे अच्छा भाई आप लोग दूसरे फोन की तरफ जा सकते हो, जैसे कि इस फोन के अंदर, ये वाले फोन के अंदर 14,000 के अंदर आप लोग को 4GB का रैम देखने को मिलेगा, जो कि शायद मेरे को लगता नहीं कि BGMI के लिए अभी के टाइम पे 4GB रैम ठीक होगा। अगर आप लोग 6GB लेना चाहोगे तो आप लोग को 16,000 तक पड़ जाएगा फोन का प्राइस। तो उतने में तो भाई दूसरा फोन आ जाता है, अच्छा खासा फोन आ जाता है, स्नैपड्रैगन 778G वाला प्रोसेसर वाला फोन आ जाता है, जिसके अंदर काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। और सेकंड हैंड भी बहुत सारा ऑप्शन है, तो मेरे को लगता है कि इस फोन को छोड़कर ना आप लोग दूसरा कोई सेकंड हैंड फोन परचेज कर लो, उसमें ज़्यादा आप लोग को फायदा मिलेगा। वारंटी के अंदर देखने को मिलेगा रियलमी GT Note 3 वगैरह देखने को मिल जाएगा, जो कि 6 महीने 7 महीने का वारंटी भी उसके साथ आपको देखने को मिलेगा। और उसमें फ़ायदा ज़्यादा है क्योंकि आप लोग सेल करने जाओगे रीसेल प्राइस ज़्यादा मिलेगा, और ये फोन को परचेज करने के बाद सेल करने जाओगे वैसे तो IPL डिस्प्ले का वैसे रीसेल प्राइस बहुत कम ही होता है, आप लोग को 5-6 हज़ार का चूना लग जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ भाई अदरवाइज गेमिंग के लिए, कैमरा के लिए अगर आप लोग लेना चाहते हो तो आपके लिए उतना खास नहीं होने वाला है। नेक्स्ट अगर बोले गए हम लोग फोन के अंदर जो देखने को मिलता है अदर्स, जो बैटरी बैकअप ओवरऑल, तो बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। 6000 mAh का बैटरी है, 44W का चार्जर, ये फोन के अंदर सबसे बेस्ट मेरे को यही चीज़ लगा है, और 1000Hz का जो ब्राइटनेस देखने को मिलता है वही चीज़ लगा है। तो अभी आप लोग डिसाइड करो आपको करना कि फोन को लेना है फिर नहीं लेना है, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो मैंने तो भाई ये पर आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अभी आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप लोग क्या करना चाहते हो, आपका माइंडसेट क्या है, वो मैं नहीं बता सकता, मैं फोर्स नहीं कर सकता आप लोगों को। तो मैंने तो अपना ओपिनियन बता दिया, अभी आप लोग डिसाइड कर लो। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट कर देना, लास्ट में एक ही बात बताऊंगा सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि आप लोग मुझे बताए कर देते हो बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, फिर भी यार हो सके तो कर देना अगर लगता है कि बंदा सही बता रहा है, सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो चलो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती सी भी ज़्यादा कोई बड़ी सा कॉन्टेंट के साथ, कमेंट करना बस आप लोग, और दूसरा कोई फोन के ऊपर वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करना है। इंस्टाग्राम आईडी देखने को मिल रहा है, इंस्टाग्राम पर आप लोग मैसेज कर सकते हो, कोई पूछना है कोई चीज़ तो लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।